में आज हम ऑर्डर देने के और शिकायत करने के पत्र लिखने वाले दावा शिकायत के पत्र, उसमें पहला नमूना देख रहे हैं। पत्र को याद रखना, हमेशा इस तरह से बॉक्स में बांध देना। सवाल क्या है? तो माल सामान न ऑर्डर के अनुसार माल सामान न मिलने से, कम गुणवत्ता वाला माल मिलने के कारण शिल्पा एम्पोरियम अपनी सहेली एक सामने वाला सहेली साड़ी सेंटर को शिकायत करता पत्र लिख रहा है। तो जिस शिकायत करने वाला कौन है? शिल्पा। और किसने माल गंदा भेजा है? इन लोगों ने, सूरत वालों ने। तो क्या करना है? पहले हमें अपना पता लिखना है। हम ये है कौन? शिल्पा। तो यहाँ पर हमें अपना पता लिखना है, शिल्पा एम्पोरियम यहाँ पर, बराबर। फिर ईमेल आईडी यहाँ आ जाएगा, फ़ोन नंबर यहाँ पर। तारीख व्यवस्थित ध्यान दो, 20 अक्टूबर के बाद कोमा है 2016, तारीख की लाइन में सामने पता नहीं। अब ये सहेली साड़ी का पता, सहेली साड़ी और जो भी उसका है वो। विषय क्या है? घटिया गुणवत्ता वाला माल। अब आपको ये पैराग्राफ किताब से नहीं, हम अपने मन से करेंगे। क्या लिखेंगे? अब हम कब कौन सी तारीख को पत्र लिख रहे हैं? 20 को, यानी उससे पहले खराब माल मिला होगा ना। तो 20 तारीख को खराब माल मिला, उससे पहले आपने ऑर्डर किया था। तो 10 तारीख को हमने आपको साड़ियों घटिया गुणा 10 तारीख को हमने आपको साड़ियों का ऑर्डर के लिए ऑर्डर दिया था, और उस हिसाब से आपने हमें 18 तारीख को माल भेजा है, बराबर। आप किताब की तरह नहीं बोल रहे, हम अपने मन से बना रहे। 10 तारीख को हमने साड़ियों का आपको ऑर्डर दिया था, और वह ऑर्डर आपने हमें 18 तारीख को भेज दिया, और उसमें क्षति है, इसलिए हमने आपको ये पत्र भेजा है। आप हमारा ऑर्डर का लेटर देखो, उसमें हमने आपको स्पष्ट बता दिया था कि हमें कौन सी गुणवत्ता की साड़ी चाहिए। आपने जो साड़ियाँ हमें भेजी है वो बहुत हल्की गुणवत्ता वाली साड़ी है, उसकी लंबाई भी योग्य नहीं है। तो इस हिसाब से जो हमने आपको भाव दिया है वो बहुत ज़्यादा है, और ग्राहक को भी हमारी साड़ी इतनी महंगी पसंद आएगी नहीं, और मुझे नुकसान होगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमने आपको साड़ियाँ मांगी थी उस हिसाब से आपने हमें माल भेजा नहीं है, और इस वजह से हमारे प्रतिष्ठान को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो अगर आपसे संभव हो तो आप हमारा ऑर्डर वापस ले लीजिए, अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए, या तो हमें अधिक ज़्यादा डिस्काउंट दीजिए ताकि हम ग्राहकों को कम डिस्काउंट ज़्यादा डिस्काउंट देके बेच सके, माल निकाल सकते। वरना हम किसी भी कीमत में इस माल को अपने पास रख सकते नहीं, क्योंकि ये गुणवत्ता हल्की और रकम इसकी ज़्यादा। आप बना के ऐसा पत्र लिख सकते हो, तुरंत आप हमें प्रत्युत्तर दे ऐसी अपेक्षा से, आपका विश्वसनीय XYZ, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर करना। किताब में भी वही पत्र है। अब यह समाधान है उसका, साड़ियों का। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पता बताइए तो सब आपको मालूम। हाँ, 20 तारीख को आपने हमें पत्र लिखा, साड़ियों के माल में क्षति हुई है, तो ये हमारी तरफ से भूल हुई है, उसके बारे में हम आपको माफ़ी मांगते हैं, और हमें बहुत खेद है कि आपको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। आपने जो ऑर्डर दिया था उस हिसाब से हम माल नहीं भेज पाए, ये हमारी कोई अधिकारी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है कि जो डिज़ाइन और जो कपड़ा और जो लंबाई चौड़ाई आपने मांगी थी वो हम नहीं दे पाए, उसने गलती से पैकिंग भूल कर दी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इसको 35% डिस्काउंट से बेच सकते हैं, और आपकी जो पैसे बाकी बचे हैं वो हम आपको लौटा देंगे। आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी हम भरपाई कर देंगे। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और हम ये सोचेंगे इस गलती की वजह से हमारे व्यवसाय पर कोई असर पड़ेगा नहीं। आप भविष्य में भी हमें दोबारा आप बड़ा सा ऑर्डर देंगे, ऐसी हमें आशा है। इस तरह से पत्र बना के अपने मन से लिखना इजी है, हम तो यही तो लिखते आ रहे। बस ये खास ध्यान रखना, इसका मार्क्स है एड्रेस के बाद कोमा होना चाहिए, पिन कोड लिखो, यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखो, हमारा पता, जो पत्र लिखने वाले उनका पता और तारीख, ये दोनों चीज़ यहाँ आ जाती है। फिर सामने वाले जिसको पत्र लिखना है उस व्यक्ति का पता, कोमा लगाना है, पीएन कोड, श्रीमान शब्द खास मत भूलना, श्रीमान के बाद कोमा है, फिर पत्र, फिर आपका विश्वसनीय साइन करनी है, फिर अपना नाम लिखना, अपना होद्दा दर्शाना है, और संलग्न इसके साथ रसीद भी आपको भेजी हुई है। इस तरह से पत्र आपको व्यवस्थित समझाना, बराबर। फिर यहाँ पर ये भी शिकायत पत्र है, और ये उसका प्रत्युत्तर है, ये आप मन से पढ़ो देखो, और इसके MCQ कर लो, 1 मार्क्स के पत्र करो। स्वाध्याय करोगे तो परीक्षा में मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि पूरा पेपर मैंने स्वाध्याय में से ही बनाया हुआ है, बराबर। तो और पेपर स्टाइल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। अब हम देखेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो
यह पत्र खास एड्रेस में और उस सब में ध्यान रखना। तारीख में यहाँ पर देखो गलती हुई है, जनवरी 23, 2016 इस तरह से नहीं लिखनी है। मैंने आपको सिखाई पहले तारीख लिखो, फिर महीना लिखो और फिर साल लिखो, और तारीख की लाइन में कुछ नहीं बचाना, छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखना। सिग्नेचर यहाँ पर एक्स वाई है, वो सिग्नेचर है, और फिर व्यक्ति का नाम लिखना है, मैनेजर नहीं, व्यक्ति का नाम और फिर मैनेजर या जो भी होता है वो दर्शाना है। मैंने आपको 12वीं की किताब के अनुसार बताया, आप लोग सिग्नेचर नहीं करते, और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं पहले नाम लिखते फिर सिग्नेचर करते, नहीं, पहले सिग्नेचर करनी है फिर नाम लिखना। पूरे पत्र को बॉक्स में बांधना है, जहाँ जब तक पता पूरा नहीं होता है तब तक आपको कोमा लगाना है, फिर फुल स्टॉप लगाना है, पिन कोड खास लगाना है। तो ये बातों का आप खास ध्यान दो, ठीक है। फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना है, ईमेल वेबसाइट है ऐसा कुछ लिखना है, विषय दर्शाना है, श्रीमान के बाद कोमा, ये शब्द खास होना चाहिए, संबोधन ये इम्पोर्टेंट है, ऐसी बातें को आपको खास दर्शानी